नवविवाहित गर्भवती पत्नी को पति द्वारा गोली मारकर की हत्या, पति हिरासत में। बताते चले कि नवविवाहित गर्भवती पत्नी की पति द्वारा गोली मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बड़का गांव थाना क्षेत्र के नापो खुर्द गांव का 27 सितंबर रात लगभग 10 बजे की है। प्राप्त समाचार के अनुसार नापो खुर्द निवासी बिंदेश साव के पुत्र शशि कुमार एवं परिजनों द्वारा पूजा कुमारी को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए शशि कुमार का कहना है कि गांव का बरबनिया निवासी बिल्ली कुमार ने एक रिवॉल्वर रखने के लिए दिया था, जिसे रात को अपने घर में चेक करने के दौरान शूट हो गया और मेरी पत्नी को लग गई। गोली लगते ही बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से रेफर हजारीबाग कर दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल हजारीबाग से भी रेफर कर देने के बाद रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और शव को अपने घर ले आया गया। घटना की सूचना पाकर पूजा कुमारी के मायके वाले ने शशि कुमार के घर पहुंचकर हो हंगामा करते हुए घरेलू सामान को तोड़फोड़ एवं घर का सभी सामान निकालकर बाहर दरवाजे पर आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही शशि कुमार को पकड़कर मारपीट की जा रही थी कि इसी बीच पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शशि कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। सुबह होते ही पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। इधर पूजा कुमारी के पिता रिंकू साहब द्वारा आवेदन देकर हत्या के कारण दहेज बताया गया है। आवेदन में कहा गया है कि मेरी पुत्री का विवाह हिंदू रीति रिवाज से शशि कुमार के साथ 15 जून 2022 को बड़े ही धूमधाम के साथ की गई थी।